हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर दूसरा। पहला पार्ट मैंने बनाया हुआ था वीडियो, अब दूसरा पार्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें। और अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है बच्चों, तो हम पहले पार्ट का जो लिंक है इस जो दूसरे पार्ट के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूँ, आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करें। कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं। अब देखिए, दूसरा पार्ट जो वीडियो आज हम बनाने जा रहा हूँ, इसमें अध्याय दो का, जिसका नाम है विद्युत कार के औजार। पहले पार्ट में हमने कुछ महत्वपूर्ण औजारों के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ अन्य औजार के बारे में बताता हूँ जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में यूज किए जाते हैं बच्चों। सबसे पहला है साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर, प्लायर का मतलब आप लोगों को मैंने क्या बताया था? पिलास, जिसको कहते हैं बच्चों, क्या बताया था? पिलास। साइड कटिंग प्लायर का यूज इसको बोलते हैं। और एक चीज, निप्पर भी बोला जाता है इसको बच्चों। क्या बोला जाता है? निप्पर भी। जैसे अगर कहीं आ जाए एग्जाम में, तो निप्पर और साइड कटिंग दोनों चीजें सेम होती हैं। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है बच्चों? एल्यूमिनियम या कापर के पतले तारों को काटने के लिए हम साइड कटिंग प्लायर का यूज करते हैं। साइड कटिंग प्लायर का यूज किस लिए करते हैं? एल्युमिनियम या कापर के पतले तारों को काटने के लिए। ये आपका हो गया साइड कटिंग प्लायर, या जिसको हम आम भाषा में पिलास भी बोलते हैं। दूसरा इसमें क्या है बच्चों? वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर नाम से ही पता चल रहा है आपको, वायर स्ट्रिपर का भी यूज वही है जो अभी हमने साइड कटिंग प्लायर का बताया। वायर स्ट्रिपर का भी प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तार को छिलने के लिए। तार को छिलने के लिए हम क्या करते हैं? वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करते हैं। तार को काटना है तो क्या कर सकते हैं? साइड कटिंग प्लायर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर तार को छिलना है और काटना भी है, दोनों कार्य करना है, तो हम वायर स्ट्रिपर के थ्रू तार को छिल सकते हैं और काट सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे आपका तीसरा इसमें है, क्या है? क्रिम्पिंग टूल। बच्चों, क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग आप लोगों ने इस समय देखा होगा, बहुत सारे जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उसमें लग लगे होते हैं, लक्स बोलते हैं, जिसमें तार को लगा के उसको कस दिया जाता है, जिससे आसानी से हम किसी भी नट बोल्ट में उसको फिट कर सकते हैं। तो जो क्रिम्पिंग टूल है, उसी लग्स को दबाने के लिए, क्रिम्प करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग क्या होता है? उसी लग्स को दबा के वायर को फिटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किस लिए होता है? जो लग्स लग जाते हैं वायर में, उनको वायर के साथ दबा के फिट करने के लिए हम क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, स्निप। स्निप आप लोग देखे होंगे, जहां पे जो पेटी उटी बनती है, लोहे की पेटी जो तैयार करते हैं, या फिर आप देखे होंगे जो बड़ा बड़ा आपका डब्बा तैयार करते हैं, जो चद्दर की चीजें बनाते हैं, उनके पास स्नीप होता है। स्नीप का कार्य क्या होता है बच्चों? जो कैंची नुमा होता है, कैंची नुमा होता है, लेकिन स्नीप के थ्रू हम क्या करते हैं? जो पतली चादर होती है, पतली चादर किस चीज की? धातु की। धातु की जो पतली चादर होती है उसको काटते हैं। किसके थ्रू बच्चों? स्नीप के थ्रू। स्नीप के थ्रू हम धातु के पतली चादरों को काटते हैं। इसका प्रयोग धातु की पतली चादरों को काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, कैंची। तो कैंची आप लोग जानते ही होंगे, कैंची की जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक आती है। इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? वही तार को छिलना हो या फिर कोई चीज काटना होता है, जैसे हमें आपका जो इंसुलेशन होता है उसको काटना है, या हम कहीं पे वायर लगा रहे हैं, हम वायरिंग कर रहे हैं, और कोई कागज है उसको काटना है, कुछ भी काटने के लिए, धागा है, कपड़ा है, कुछ भी
अगर हमको काटना है तो कैंची का प्रयोग करते हैं। कैंची आप लोग जानते ही हैं, कैंची के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। नेक्स्ट है बच्चों ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जब भी हमें किसी मोड़ पे 90 डिग्री का एकदम सीधा सीधा 90 डिग्री का यानी लंबवत जिसको बोलते हैं 90 डिग्री का मोड़ करना है, सही एकदम सेटिंग करने के लिए बराबर एक बराबर आपकी जो दूरी है, जैसे एक जो बीच की दूरी है ऊपर से जहां तक से हम वायरिंग कर रहे हैं, तो ट्राई स्क्वायर के थ्रू हम 90 डिग्री पर मोड़ कर सकते हैं। बच्चों ट्राई स्क्वायर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एकदम 90 डिग्री पे मोड़ को कर सकते हैं। जैसे किसी छत में हम वायरिंग कर रहे हैं और एक कोने से दूसरे कोने पर कहीं हमको क्या करना वायरिंग करना है, तो हम ट्राई स्क्वायर की सहायता से उसको क्या कर सकते हैं, एकदम सेम साइज में सेम दूरी पर घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्टील स्केल। स्टील स्केल मतलब फिटका। बच्चों स्टील का मतलब क्या होता है, फिटका होता है। तो आप लोग फिटका जानते ही हैं, फिटका का प्रयोग किस लिए हम करते हैं, कोई चीज़ मापने के लिए। तो ये जो स्टील स्केल है ये स्टील का बना होता है। स्टील स्केल से भी हम क्या करते हैं, कुछ मापना है हमें, जैसे कि दूरी मापनी है छत की ऊंचाई से और हम जहां वायरिंग कर रहे हैं उसके बीच की दूरी हमको मापनी है, तो हम स्टील स्केल से माप सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्टील स्केल के बाद क्या है इसमें, देखिए वुड सा। सा का मतलब मैंने क्या बताया था बच्चों, आरी। वुड सा, सा का मतलब क्या बताया था, आरी। तो आप लोग गांव में हर जगह सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं। आरी जो आता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं लकड़ी को काटते हैं, उसे कहा जाता है वुड सा। लकड़ी को काटने के लिए जिस आरी का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, वुड सा कहते हैं। अगला है स्पाइनर सेट। स्पाइनर, स्पाइनर मीन्स क्या होता है बच्चों, रिंच जिसको बोलते हो आप लोग, पाना, पाना बोला जाता है। स्पाइनर मीन्स क्या होता है, पाना। तो गाड़ी हुई, बाइक हुए, आपके फोर व्हीलर हो गए, या फिर कोई भी नट बोल्ट खोलने के लिए हम स्पाइनर का प्रयोग करते हैं। मोटर में नट बोल्ट लगा होता है वहां भी हम स्पाइनर के थ्रू क्या करते हैं उसको खोलते हैं। ट्रांसफार्मर है, कोई भी चीज हो आपका, जहां भी नट बोल्ट लगे हैं उन नट बोल्ट को खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्पाइनर का प्रयोग करते हैं, जिसको पाना भी कहते हैं, स्पाइनर सेट। नेक्स्ट है बच्चों एडजस्टेबल रिंच। एडजस्टेबल रिंच ये क्या होता है, ये ऐसी रिंच होती है जिसमें एडजस्ट करने के लिए आपको चूड़ी दिया गया होता है, आप उसके अनुसार साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। रिंच की जो साइज है उसको छोटा बड़ा करके आप छोटे बड़े नट में लगा सकते हैं, यानी एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, एडजस्टेबल रिंच कहा गया है। अगला है बच्चों पाइप रिंच। पाइप रिंच मतलब आप लोगों गांवी भाषा में हम बताएं तो सलाई रिंच जिसको बोलते हैं बच्चों, सलाई रिंच, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं किसी भी नलकूप हो गया उसके पाइप को ओपन करने के लिए हम सलाई रिंच या पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं, या कोई भी पाइप हो, किसी प्रकार की पाइप हो उसको खोलने के लिए जिस रिंच का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चों, पाइप रिंच कहा जाता है, उसे पाइप रिंच कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पाइप कटर। पाइप कटर नाम से आप लोग जान गए होंगे, पाइप को काटने के लिए जिस औजार का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, पाइप कटर कहा जाता है बच्चों। पाइप को काटने के लिए जिस औजार का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, पाइप कटर कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका रीमर। क्या है, रीमर है। रीमर जैसे हमने पाइप को काटा, मान लो बच्चों हमने पाइप को काटा तो उसमें क्या है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दरबर जिसको बोलते हैं, चिकना नहीं रहता है, तो उसमें चिकनाई लाने के लिए हम रीमर का प्रयोग करते हैं। रीमर के थ्रू जो भी पाइप काटने के बाद जो दरबर रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, चिकना कर सकते हैं। रीमर के थ्रू हम चिकनाई लाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों, जिमलेट। जिमलेट का मतलब वही जिसको गांवी भाषा में गिलमिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गिल
मीट, गिलमीट जिसको बोला जाता है, उसे जिमलेट कहते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लकड़ी उकड़ी में छेद करते हैं। लोहार या आप कह सकते हैं विश्वकर्मा लोग जो भी हैं वो इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं, वो किसी भी लकड़ी में छेद करते हैं, गिलमिट। नेक्स्ट है बच्चों रैचिट ब्रश। रैचिट ब्रश जैसे हमने हैंड ड्रिल बताया था, जैसे हैंड ड्रिल होता है उसी तरह से रैचिट ब्रश भी होता है। यह धीरे धीरे छिद्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी टेढ़ी मेढ़ी जगह पे, जैसे इसको कोने कार्नर पे कहीं आपको छिद्र करना है, जहां पे आप सीधा सीधा क्या है गिलमिट को हैंड ड्रिल मशीन को नहीं लगा सकते या इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन को नहीं लगा सकते, तो वहां पर आप रैचिट ब्रश का प्रयोग करके छिद्र कर सकते हैं। इसका प्रयोग भी ड्रिल मशीन की तरह छिद्र करना ही है। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। क्या है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। तो हमने ड्रिल मशीन कल बताया था, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन भी आप सभी लोगों ने देखा होगा। इसके थ्रू दीवारों में छिद्र करने के लिए, यानी जब हम वायरिंग करते हैं, किसी बिल्डिंग की वायरिंग करते हैं, तो इस पार से उस पार, दीवार की इस पार से उस पार वायर को ले जाने के लिए हम इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। छिद्र करते करके हम वायर को इस पार से उस पार ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के थ्रू छिद्र करके हम तार को इस पार के उस पार ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्टाक एंड डाई। नाम आप लोगों ने डाई का सुना होगा, बहुत ज्यादा आप लोगों ने स्टाक एंड डाई का नाम सुना होगा। जैसे कोई भी हम जब भी लेके जाते हैं पाइप की वाइंडिंग कराना है, कंड्यूट पाइप है, जैसे दोनों सिरों पे चूड़ियां रखवाना है, चूड़ियां पेरना जो गांव में कहते हैं बच्चों, इन सब का काम किसके थ्रू होता है, डाई के थ्रू होता है। जैसे 1 mm की पाइप है, एक आपका 1 इंच पाइप, 2 इंच पाइप, जो भी है जिस साइज की पाइप है, तो उसी तरह से अलग अलग साइज की डाई आती है और उस डाई के थ्रू चूड़ियों को पेरा जाता है। और डाई बहुत सारे होते हैं बच्चों, हर काम डाई के थ्रू ही होता है। आपका ज़्यादातर मशीनरी काम जो होते हैं वो डाई के थ्रू ही तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है वाइस। वाइस का कार्य क्या है बच्चों, बेंच वाइस एक होता है बच्चों, हैंड वाइस भी आता है, बेंच वाइस और हैंड वाइस आता है। वाइस का कार्य है किसी भी लोहे को या किसी भी चद्दर या कुछ भी काटने के लिए अगर हमें पकड़ना है, दबाना है, तो वाइस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको लोहे को दबा सकते हैं, या जो भी औजार है जिसको काटना है उसको हम वाइस के थ्रू कस करके दबा के हम उसको काट सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। इसका कार्य ये करता क्या है, जैसे जो भी आप जॉब करते हैं, जो भी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, उसको जकड़ने के लिए, कसने के लिए हम वाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पुल्ली पुलर। नाम से ही पता चल गया, पुल्ली यानी जो पुलिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, पुल्ली को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, पुल्ली को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, पुल्ली पुलर का प्रयोग करते हैं। पुल्ली पुलर का प्रयोग किस लिए किया जाता है बच्चों, मोटर वोटर में लगी पुल्ली को खोलने के लिए हम पुल्ली पुलर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से बियरिंग पुलर है, बियरिंग पुलर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बियरिंग पुलर का प्रयोग किया जाता है बैरिंग, जिसको देसी भाषा में क्या बोला जाता है, बैरिंग, बैरिंग को ओपन करने के लिए या बियरिंग को ओपन करने खोलने के लिए, सॉरी बियरिंग को खोलने के लिए हम बियरिंग पुलर का प्रयोग करते हैं। बियरिंग पुलर का प्रयोग किस लिए करते हैं, बैरिंग को खोलने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों मैलेट। मैलेट क्या होता है, जो लकड़ी का हथौड़ा होता है बच्चों, लकड़ी का हथौड़ा होता है, जैसे कोई भी हम जब भी कोई वायरिंग कर रहे हैं उसमें जब कोई चद्दर उद्दर लगाते हैं और वो टेढ़ा ओढ़ा हो गया है, तो उस चद्दर को लकड़ी के थ्रू पीट करके हम क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। लकड़ी के मैलेट यानी जो लकड़ी का हथौड़ा होता है उससे पीट करके हम क्या करते हैं, सीधा करते हैं। यह लकड़ी का बना होता है, प्रायः इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तांबे लोहे या फिर पीतल एल्यूमिनियम के
कि जो धातुओं से बनी चादर होती, पतली चादर होती है, उसको सीधा करने के लिए मैलेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों वायर गेज। वायर गेज का नाम पता होगा, वायर गेज, वायर को मापने के लिए, वायर को मापने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। वायर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायर को मापने के लिए। अगला है क्या है? ब्लो लैंप। लैंप मतलब आप लोग समझ ही रहेंगे, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? राइट, इसका उपयोग केबल को ज्वाइंट जो हम करते हैं, जो जोड़ लगाते हैं, उसके जोड़ को गर्म करने के लिए, या फिर शोल्डर को, शोल्डर को पिघलाने के लिए हम ब्लो लैंप का प्रयोग करते हैं। जो जोड़ होता है बच्चों, जो वायरिंग की जोड़ है, जो सोल्डरिंग हुआ होता है, उसको निकालने के लिए हम ब्लो लैंप को गर्म करके सोल्डरिंग को निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन तो आप लोगों ने सुना ही होगा बच्चों। सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी भी वायर को सोल्डरिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए, वायर को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। आप सभी लोग, ज़्यादातर बच्चे जो भी हैं, सभी लोग जानते होंगे सोल्डरिंग आयरन क्या होता है। वायर को जोड़ने के लिए, या फिर कोई किट है, रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, इन सभी चीज़ों को जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। लास्ट में बच्चों साहुल। साहुल भी आपके 90% बच्चे जानते होंगे। गांव में घर और जब बनता है तो जो मिस्त्री होते हैं, घर बनाने वाले होते हैं, वो साहुल का प्रयोग करते हैं। साहुल का प्रयोग क्यों करते हैं? जिससे कि जो भी चीज़ें, दीवार है या कुछ भी है, वो एकदम सीधा हो। साहुल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कि सीधा रहे, जो भी चीज़ें आपकी दीवार तैयार करें या कुछ भी है, तो वो एकदम सीधा हो, साहुल का प्रयोग इसलिए किया जाता है। विद्युत कारों को वायरिंग करते समय सही ऊर्ध्वा लाइन, मतलब सीधा लाइन खींचने के लिए, ऊर्ध्वा सीधा लाइन खींचने के लिए हम क्या करते हैं? साहुल का प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों। आप लोग हरेंद्र गुरुजी के चैनल को देखते रहें।